दोस्तों नमस्कार। कल युग, इसके नाम में बड़े बड़े करिश्मे हैं। कल युग भाई, कल पक्का, कल मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, कल मैं आपके पैसे दे दूंगा, कल मैं जरूर आ जाऊंगा, बस कल कल का मुझे वक्त और दे दीजिए। और वो कल कभी नहीं है। सारे झूठ कल के लिए, सारे वादे कल के लिए। कलयुग के नाम में ही इसका आचरण है। इसकी व्याख्या है, बल्कि सही कहूं तो कलयुग मतलब छल युग। कल के नाम पे छल। बहुत बारीकी से नोट करो आप, सतयुग सत्य का युग है, कलयुग की हर बात कल पे टाली जाती है, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कल के वादे किए हुए। कल युग सारे वादे छल हेतु कल के लिए, जो कल कभी नहीं आता। सतयुग आ जाएगा कल नहीं आने का। कलयुग छोटी छोटी बातों पे गौर करने वाली बात है ये। जैसे एक और टॉपिक बताऊं आपको, जितने भी असाधारण लोग होते हैं, जिनको अंदर से एक प्रेशर होता है, नहीं मुझे सबका भला करना है, नहीं मुझे सत्य पे जोर देना है कि सत्य बोलें सब, मुझे ईश्वरीय बातें सबको बतानी है, ऐसे लोग मजबूर क्यों होते हैं? क्योंकि वो विशेष रूप से अवतरित होते हैं यहाँ पे, जैसे पर्यवेक्षक जैसे। वो जिंदगी जीते नहीं, वो सिर्फ भ्रमण करने आते हैं, देखने के लिए आते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, सादगी, संस्कार, सत्य कितना जिंदा है, कहाँ कहाँ उन्हें फिक्र होती है, नहीं यहाँ क्यों ठीक, यहाँ क्यों झूठ क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग भ्रमण करने आते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं देख लो आप। और जिंदगी जीते कौन है? कृष्ण ने कहा कि कर्म ही पूजा है, अपने कर्म पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करो, वो भोगते हैं। तो क्या, चलिए इसका आनंद लीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वक्त भी ना लगे देखने में और जल्दी समझ में आए। जय हो।